यहाँ कि लक बचन गोस्त पेट वोल दिन गोडनत कह क्याजी यम छ एक्सीडेंट यम छ मान मान आसन करन बे हम से छ वारिया प्रॉब्लम ये छ मोलिस माज पेवा असर बिचार सात रोज कबल कौमी शहरा पर टेंगपुरा बाईपास के मकाम पर पेश आए एक दिलदोज सड़क हादसे में जिसमें दो कमसिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई। उस हादसे को मद्देनजर रखकर जहां पहले ही ट्रैफिक हुकाम की जानिब से माइनर ड्राइविंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी रखा गया है, वही आज शहर श्रीनगर में कुछ फ्यूल स्टेशन की जानिब से अपने अपने फ्यूल स्टेशन पर नो पेट्रोल टू माइनर्स के पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें उनका कहना है कि वो अपने पंप स्टेशन पर किसी भी माइनर को पेट्रोल या डीजल फराहम नहीं करेंगे, जबकि उनका मानना है कि इस छोटे से इकदाम से सड़क हादसात को रोकने में फ़ायदा हो सकता है। जीके टीवी से बात करते हुए आवाम का यूं कहना था, जब फ्यूल ही नहीं मिलेगा इनको तो ऑब्वियसली इनके पेरेंट्स भी बोलेंगे अर्थ सोचा पेरेंट्स दपा नचि सबक नियर गा ताना पेट्रोल अत हाथ रुपये हमें मिलान हित बच्चे सब दा मे मिल सवारी बह ताना अपरी पेट्रोल इट्स एन गुड मतलब इट्स ए गुड स्टेप इफ़ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड दैन इट्स ए गुड स्टेप। हर किसी पेट्रोल पंप पे ये वो अथॉरिटी देनी चाहिए हर किसी पेट्रोल पंप को ऑर्डर ताकि वो माइनर्स को फ्यूल ना इशू करें ना बगैर हेलमेट के किसी को फ्यूल ना इशू किया जाए। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है लेकिन बात ऐसी है कि पहले से ही लेना चाहिए था गवर्नमेंट को लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई है खेत। ये स्टेप हमें पहले उठाना चाहिए था, थोड़ी देर हो चुकी है, अदरवाइज जो परसों टेंगपुरा में जो एक्सीडेंट हुआ था वो नहीं होता अगर इनिशिएटिव पहले ही गवर्नमेंट या ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने लिया होता। देर आए दुरुस्त आए, इट्स अ गुड स्टेप। माइनर्स को बिल्कुल भी मत दीजिए, इनको इनको पेरेंट्स मतलब होते हैं जॉब पे या घरों में होते हैं या मदर्स उनकी घर में होती है, उनको नहीं पता चलता है बाहर बच्चे कर कर रहे हैं, फिर वो ओवरटेक करते हैं एक दूसरे के साथ रेस करते हैं जिनमें जान चली जाती है। सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप, वी आर वेरी मच हैप्पी, वी थैंकफुल टू आवर ट्रैफिक डिपार्टमेंट। बस ऐसे ही मगर कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट ऐसा ही होना चाहिए, ये नहीं कि आपने आज किया आप 2026 या 2025 में करेंगे, ये कंसिस्टेंट इस पर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।